मैं तोलें वो गलत ऑर्गनाइजेशन लोअर सैन डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर राइट साइड जनरल सेक्रेटरी उनका बेगम रोमिन लेफ्ट साइड कर्जुम कयू इस वो पर्सन उन हिलो दे 4 मार्च 2022 उन मीटिंग को हिलो दूर तो मीटिंग दूर नाम कारण उनका जनरल सेक्रेटरी इस वो पर्सन ने जिले लगे लगा एम ने मेजी दम उन्होंने एक रिजोल्यूशन को पास तो पास उनको रिजिग्नेशन देता रही पोलेंड जी रहे दे नारी 4 मार्च 2022 टू श्री बाजन ताली प्रेसिडेंट गला यूथ ऑर्गेनाइजेशन लिकावली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश सब्जेक्ट रिजिग्नेशन लेटर डियर मिस्टर प्रेसिडेंट वी द अंडर साइन आर राइटिंग टू यू इन ए स्टेट ऑफ डिसमे दैट हैज बीफॉलन अपॉन अस इन द लास्ट फ्यू डेज That among the many other issues that were taken up under the banner of Gala Youth Organization, Lower Siam District Unit, the demand of declaration of Sikkirima as the permanent headquarter of Lower Siam District was paramount. Meanwhile, it has been brought to our knowledge that aforementioned demand of our has met with negative result is now awaiting formal announcement from the government of Arunachal Pradesh in favor of CG as opposed to Sikkirima. That our dismay further stems from the act that such an impending decision by the government of Arunachal Pradesh was the handiwork of Galo Welfare Society, GWS, and most of the Galo legislators. Which to our understanding is an ultimate betrayal of our long-standing resolve as Galos. Now, therefore, we the undersigned and convinced beyond doubts that we will never be able to work towards a common goal under the prevailing angst born of trust by the community elders. As such, we the undersigned hereby tender our resignation from our respective designation as mentioned under. Sincerely, Sri Digam Ramin, General Secretary, Bata Tobo, Vice President Protocol, Sri Jirjum Kaku, Assistant General Secretary Admin, Sri Mimo Lurang, Finance Secretary, Sri Boma Luba, Office Secretary, Sri Kenmi Amu, Education Secretary, Sri Paktu Nyudu, Sports Secretary, Sri Todak Nyudu, Secretary Resource and Mobilization, Sri Henba Bonjen, Social Service Secretary, Sri Karjun Koyu, Spokesperson, Sri Pangma Rina, Auditor, Sri Junke Riva, Secretary Kora Circle, Sri Tolu Nyudu, Convener, Sri Karken Riva, Secretary Seren Circle, Sri Rijo Dabu, Secretary Nari Circle, Sri Kenu Rina, Secretary Koyu Circle, Sri Kento Lendo Doke, Assistant General, Social Service Secretary. ओके तो आई बीइंग ए स्पोक पर्सन ऑफ एलएसडी जीवायो कुछ बात आप लोग का सामने रखना चाहता हूँ जो हम लोग का 36 नारी कोयू जिस तरह से हम लोग का 36 नारी कोयू को डिप्राइव किया गया है जो कि बहुत पहले से ये चीज हमारे गलो लेजिस्लेटर के द्वारा ऑलरेडी चीज को बात कर चुका था रिसेंटली आप ये चीज को भी याद होता होगा नारी में जब रिप्रेंडम रैली हुआ था आई थिंक 99% जो है एग्री था कि सिकिरिमा जो है परमानेंट हेडक्वार्टर बनना है उनकी लेकिन आज क्या हो गया एक मीटिंग बैठता है उस मीटिंग में सब गालो एपेक्स बॉडी आके सब गालो लेजिस्लेटर आके ये चीज को नारी कोयू का पब्लिक को एकदम डिप्राइव करके रख देता है हमारा अपना गलो एमएलए लोग कैबिनेट मिनिस्टर लोग जितना भी बोलो कि ये हम लोग आपस में यूनाइट है एक साथ सिकिरिमा के लिए कर रहे एक साथ कोरा सर्कल के लिए कर रहे लेकिन कहा है वो रिजल्ट आज आप लोग का काम क्या वाला कहा चला गया
GWS, GPF, GSU इस चीज में हम लोग का तार्किक नारी कोयू को आप लोग डिप्राइव किया है, ये बात आज आपका सबका सामने में बोलना चाहता हूँ इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए। तो हमारा दिल से ये चीज में बहुत हमारा गर्व के जरिए हमारा तार्किक नारी कोयू को डिप्राइव किया गया है। इस चीज को मैं चाहता हूँ हमारा अपना एजुकेशन, अपना जो दिल का दर्द है उसको दिखाने के लिए हम लोग जहाँ पे आया हुआ है, इकट्ठा हुआ हुआ है और प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है। और ये चीज को आप लोग जानना चाहिए, हम लोग का लेजिस्लेटर और गालो लेजिस्लेटर के जरिए ही ये चीज को कैबिनेट में आप लोग पास होने दिया है। अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए, अपना पॉलिटिक्स को देख के ये चीज को आप लोग करवाया है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। इसलिए हमारा अभी कोई मुद्दा नहीं है इस जीओएलएसडी में रह के, कोई वजह नहीं है। जब हमें ऊपर से एपेक्स बॉडी से हमें अगर कुछ हाथ नहीं मिल रहा तो हम क्या करेगा, हम क्या कर सकते हैं अभी अपना सोसाइटी के लिए, हमको स्टैंड करने के लिए। अभी जब डिसीजन आने वाला है कैबिनेट के लिए, कैबिनेट में, तो अभी जीडब्ल्यूएस कहां चला गया, जीवायो कहां चला गया, जीएसयू कहां चला गया, गालो का एपेक्स बॉडी लोग क्यों अभी आवाज नहीं उठा रहे, परमानेंट हेडक्वार्टर के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे। सिक्योरिटी रिमा जो है, एवरी मीटिंग हो एलएसडी जहां में भी मीटिंग हुआ है उसमें सिक्योरिटी रिमा का नाम आया ही हुआ है कि परमानेंट हेडक्वार्टर के लिए आना है बोल के, लेकिन आज क्या हो गया। तो बहुत दुखी हूं बीइंग ए सिटीजन ऑफ नारी को, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आज हम गलो एपेक्स बॉडी से और हमारा लेजिस्लेटर लोग से बहुत दुखी है कि ये चीज को हमारा 33 नारी कोयू को बहुत खराब से आज डिप्राइव किया गया है। थैंक यू। थैंक यू सभी को। मेरा नाम दिगम रोमिन है, गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन लोअर असम डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर। आज यहाँ प्रेस के सामने आने का मतलब हमारे स्पोक पर्सन बता चुके हैं, हमें जिस तरह गालों के जितने भी विधायक हैं, जितने भी लेजिस्लेटर यूज करके फेंक दिया उसको लेके बहुत ही दुखी है हम। और जिस तरह हमें चुना गया था लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे आप काम कीजिए गालो यूथ के लिए, अपना एरिया के लिए, अपने एरिया के बेनिफिट्स के लिए। तो हम सभी मिलके ठान लिया था चलो अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रह के, ना सर्विस है ना क्या है ना कुछ है, कुछ सोसाइटी के लिए काम करें, कुछ अपना एरिया के लिए काम करें, अपना कम्युनिटी के लिए काम करें, इन जनरल अपना अरुणाचल के लिए कुछ योगदान दे। हमारे उसको करने के बाद एक सोसाइटी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा आ गया था लोअर असम डिस्ट्रिक्ट का परमानेंट हेडक्वार्टर को लेके, जहां हमें पूछा गया था। तो हमने भी कहा गालो वेलफेयर सोसाइटी 1994 से लेके 2019 तक 2020 तक 2021 तक एक ही बात पे स्टैंड था, लोअर सियांग का डिस्ट्रिक्ट सिक्रिमा होना है, उसको लेके हम भी स्टे था। हमारा एपेक्स बॉडी जो डिसीजन लिया है उसे हम मंजूर थे और उसी पे हम अमल करने के लिए हर वक्त तैयार थे। लेकिन जिस तरह एपेक्स बॉडी के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी का जब एक स्पेशली यहाँ जितने भी खड़ा है लोअर सियांग गावरी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है और स्पेशली नारी कोयू के है सब, इसलिए सब चिंतित है। अगर इस तरह करके आप लोग अगर हमें डिफ्रेस करना ही था तो आगे क्यों नहीं बताया हमें, इस तरह से डिफ्रेस करना तो हम आपके साथ नहीं रहे। दौरान कार्तिक नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एक मैसेज देना चाहूंगा हमारे तरफ से, यूथ का तरफ से, जिस तरह गालो लेजिस्लेटिव और जिस तरह गालो वेलफेयर सोसाइटी हमें डिफ्रेस किया, इसको लेकर बहुत सोचने के लिए बात है हमें। उनका मलका से कहा दू अचाप गद्दा ऑफिसर गद्दा या जो ब्यूरोक्रेट टेक्निकल साधु दुनिया का ऑफिसर रखा ही दो उन्होंने मलका हिस्सा निम्बो का दो
सोसाइटी का अध्यक्ष क्वेश्चन एरा साला पुस्तक दुनिया का मेन्ना में डालो आलमा आलमा हम महिलो का सुबह उनाल जाए एक दुई ता डालो बजे लो एंटायर डालो मेन्ने तो उठती हम ना हिलो इंसान उसे पास सुबह उन्हें एपेक्स बॉडी का एक ता पॉलिटिकल पार्टी अंदर लो आगे लेने पे कुनाम में मशीन मोरे लाखुमा पावर अब ऑफिशियली आलमा जगह लो यूज दुकु अन्य जगह यूज कुमा बे अगर फ्यूचर अन काला कुबुन प्रेसिडेंट अच्छी बाजू ताली ने रेजिग्नेशन लेटर को एरिया लगा रिला कुमार जीवायो अरालो रिला काम काम मैदान में जीवायो नो अरा नो प्रेसिडेंसी अरालो रिला मात अन्न आगे रम से लिखित होगा यूनिटी एओ एम सिंह टास्क बस अलोन ओन दे नो रख लो रिले दे नम देना में अलग शिकायत प्रकाश नो नो जा यो बिगु दु जा अलग यूथ लग गया लगा रिदु अलग गलो एरिया लगा रिदु इन जनरल बोलो एंटायर अरुणाचल में यूथ डिसीशन अलोर इन लीडर को सोसाइटी लीडर को रिट लाका अलोर मर्गर रिट लाका उन रेजिग्नेशन सामित रहे उन प्रेसिडेंट ने जिदांग ना नो एक्सेप्ट होने एक्सेप्ट मात पे वो बेनर आला लो या लो आगे रिला कुमार है ताका में मेंदांग ना एजुकेटिव आजेंगे तब से मेंदांग ना आई ओम दा आलो ओम दा का युवक ने आगे को ओम बोलो दो इन दा निदो दा मैं मा हम मा बिमिन जाना मैं नुन्न मैं भेजा अंदर नाजें गतम और क्या को वेल पिशर कावे दे नुनु जिरुम नुनु आई ना बार आवार पार्टी जिरुम अम्सिन मोरली फिजिकली और को मेंटली सपोर्ट नंता काम मैं भेजा थैंक यू वेरी मच अम्ला मोबाइल मैं जब पिंडा ना थैंक यू